झालावाड़ जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर किरण कंग सिंधु ने बताया कि जिले में अवैध हथियारों की धरपकड़ हेतु पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार अभियान चलाया जा रहा है। नई झालावाड़ जिला मध्य प्रदेश का सीमावर्ती जिला होने के कारण प्रदेश के धार खरगोन जिले के हथियार तस्करों द्वारा बड़ी मात्रा में हथियार तस्करी की सूचना प्राप्त हो रही। वहीं भारी अंकुश लगाने के लिए जिला स्पेशल टीम को सीमावर्ती थाना पुलिस को निर्देशित कर सूचना संकलन की जा रही थी। इसी दौरान आज रात्रि में जिला स्पेशल टीम प्रभारी दिनेश राठौर हेड कांस्टेबल को मध्य प्रदेश के हथियार तस्करों के जिला झालावाड़ मूवमेंट के इनपुट प्राप्त की, जिस पर कार्रवाई करते हुए बालवीर सिंह पुलिस थानाधिकारी को थाना कोतवाली झालावाड़ के नेतृत्व में स्पेशल टीम गठित की गई। वहीं डीएसटी समन्वय स्थापित कर रायपुर थाना पुलिस द्वारा राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा वर्ली नाके के पास नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी दौरान रात्रि मोटरसाइकिल से हथियार सप्लाई करने आ रहे हथियार तस्करों को दबोचा। पुलिस के अनुसार मुलजिम अवतार सिंह पुत्र भीम सिंह जाति सिकलीगर उम्र 29 साल निवासी स्कूलपुरा बरिया थाना गंधवानी जिला धार मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 11 हथियार 30 जिंदा कारतूस बरामद करने वालों में जिला स्पेशल टीम के बलवीर सिंह थाना अधिकारी कोतवाली झालावाड़ दिनेश राठौर हेड कांस्टेबल राजेश शर्मा साइबर सेल इस्लाम वाले थाना अधिकारी रायपुर रवि सिंह चित्रलाल उदयवीर सिंह सुरेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। आ9 भारत के लिए गिरिराज रेगर की रिपोर्ट। अकलेरा कस्बे के नई बस्ती में 85 वर्षीय बुजुर्ग घर से हुआ लापता। नई बस्ती निवासी गुलाबगंज लोधा ने बताया कि रात के समय वह और उनके पिताजी मथुरा लाल और परिवार घर के बाहर सोए हुए थे। वहीं रात को 2 बजे जब वे उठे तो उस समय भी उनके पिताजी घर पर ही सोए हुए थे। वहीं जब सुबह 4 बजे घर के परिजन उठे तो उन्होंने देखा कि मथुरा लाल अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं है। परिजनों ने आसपास मोहल्ले में व रिश्तेदारों के यहाँ तलाश की मगर कहीं पर उनका पता नहीं चला। अंत में दोपहर के समय परिजनों ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। वहीं पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर मामले को लेकर अनुसंधान शुरू कर दिया है। आ9 भारत के लिए भगवान सिंह रजावत की रिपोर्ट अकलेरा झालावाड़ से। अकलेरा क्षेत्र के घाटौली कस्बे में हर साल चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते समस्त ग्रामवासियों ने इस बार यहां पर कोई भी अनुष्ठान नहीं किया। इस दौरान सिर्फ हनुमान जी की प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया गया और हनुमान जी से कोरोना महामारी से लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई। सभी ग्रामवासियों ने हनुमान जी से देश में कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए प्रार्थना की। आ9 भारत के लिए अकलेरा झालावाड़ से भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। खबर आ रही है बकानी झालावाड़ राजस्थान से, जहां कस्बे के खेड़ापति बालाजी मंदिर पर हनुमान जी प्रतिमा पर विशेष आकर्षण कर मंदिर प्रांगण में 60 किलो फूलों की माला बनाकर सजावट की गई तथा महाआरती कर कोरोना महामारी से निजात पाने की दुआ की गई। इसी दौरान कई श्रद्धालु उपस्थित रहे। आ9 भारत के लिए गिरिराज रेगर की रिपोर्ट। ये कहना अतिशयोक्ति होगा कि झालावाड़ के युवाओं के जोश से राजस्थान ही नहीं अभी तो मध्य प्रदेश में भी रक्तदान के क्षेत्र में क्रांति लाई है। ऐसा ही एक मानवीय कार्य जो राजगढ़ के जिला कलेक्टर नीरज सिंह के संज्ञान में आया है, जिसमें एक बच्चे जय चारण जो थैलेसीमिया बीमारी से ग्रसित है उसको दुर्लभतम रक्त AB नेगेटिव की आवश्यकता है और परिवार के सभी सदस्यों के प्रयास के बावजूद रक्त उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो जिला कलेक्टर ने रक्तदाता समूह झालावाड़ को रक्त उपलब्ध करवाने के लिए आदेशित किया, जिस पर रक्तदाता समूह से तुरंत AB नेगेटिव रक्तवीर शंकर जी पाटीदार ने अपने गांव सिरपोई से 30 किलोमीटर भवानी मंडी ब्लड बैंक आकर उस बच्चे हेतु अपना दुर्लभतम AB नेगेटिव दे महान कार्य किया और समूह के ही अब ब्लड बैंक को राजगढ़ ले जाने के लिए भवानी मंडी इकाई के सदस्य मदन लाल वर्मा सुरेश वर्मा एवं सचिन वर्मा ने अपनी निजी कार से ब्लड लेकर राजगढ़ मध्य प्रदेश रक्त लेकर पहुंचे। इस कार्य में अपना अमूल्य योगदान और मानव धर्म निभाने में अनिल शर्मा, अभिषेक गुप्ता, हेमंत पोसवान,
सोनू राठौर, धर्मपाल चौहान आदि रक्तदाता समूह के सदस्यों ने भी अपनी सेवाएं दी। आ9 भारत के लिए अजय भारत की रिपोर्ट, झालावाड़ से।